होरिमिया के सेकंड एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम सेनगोकू, इशिकावा और मियामुरा को देखते हैं, जो आपस में एक दूसरे से कह रहे होते हैं, अभी तो हम पुल की प्रॉब्लम से बाहर निकले थे और अब सेंसे ने हमें स्पोर्ट डे में फंसा दिया। तभी इन लोग इतना कहते ही यहाँ सू असाइनमेंट्स लेकर आता है। तभी ये देखकर सेनगोकू कहता है, इन असाइनमेंट्स को देखकर मुझे स्पोर्ट डे दिखाई दे रहा है। तभी होरी कहती है, बस कुछ दिन बाद वो तुम्हारे नजदीक होगा। तभी ये बात सुनकर सेनगोकू जोर से चिल्लाने लगता है और मियामुरा से कहता है, अगर हमें स्पोर्ट डे से बचना है तो हमें बारिश करवानी होगी। और इतना कहते ही ये बारिश करवाने के लिए रेन डांस करने लगते हैं। फिर इसके बाद इशिकावा सेनगोकू से पूछता है, ब्रो तू किस टीम में है? तभी सेनगोकू कहता है, मैं ईस्ट टीम में हूँ। तभी इशिकावा कहता है, और मैं वेस्ट टीम में हूँ। फिर इसके बाद हम होरी को देखते हैं जो सेनगोकू से कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर मियामुरा की टीम को हरा देंगे। तभी सेनगोकू होरी से कहता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा और मियामुरा का झगड़ा चल रहा है क्या? तभी होरी कहती है, नहीं तो मैं तो बस मियामुरा की टीम को हराना चाहती हूँ। तभी इतना कहते ही मियामुरा और होरी एक दूसरे की टीम को गुड लक कहते हैं। फिर इसके बाद हम एक सकुरा नाम की लड़की को देखते हैं, जो सेनगोकू को बताती है कि सू और योगी भी उनकी टीम में है। तभी ये बात सुनकर सेनगोकू कहता है, अबे यार अब सब लोग मुझे ही देखेंगे और मैं छुप भी नहीं पाऊंगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर सकुरा सबको बताती है वो इस बार चीयरलीडिंग करने वाली है। तभी होरी पूछती है, तुम कौन सी टीम में हो सकुरा? तभी सकुरा कहती है, मैं वेस्ट टीम में हूँ। तभी होरी कहती है, ओह तो तुम मियामुरा की टीम में हो। तभी ये बात सुनकर सकुरा घबराते हुए कहती है, अगर इशिकावा ने मुझे गलतियां करते हुए देख लिया तो मेरा क्या होगा। और इतना कहते ही सकुरा सेनगोकू से उसके साथ इन सबसे बचने के लिए बारिश कराने के लिए कहती है। तभी सेनगोकू सकुरा के साथ बारिश करवाने के लिए रेन डांस करने लगता है। तभी दूसरी तरफ इशिकावा कहता है, रेन डांस से भी भला कभी बारिश बरसती है क्या? फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम मियामुरा को देखते हैं, जो होरी से कहता है, मैं स्पोर्ट्स में इतना अच्छा नहीं हूँ। तभी होरी ये बात सुनकर मियामुरा की पीठ पर हाथ रखकर उसे मोटिवेट करती है, जिससे मियामुरा को अच्छा लगता है। और वो होरी से कहता है, ठीक है होरी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, हम दोनों अलग अलग टीम में होंगे तो तुम क्या मेरे लिए चीयर करोगी? तभी होरी शर्माते हुए मियामुरा से हाँ कहती है। और मियामुरा अपने मन में सोचता है, ये सब कितना अजीब है, पहले मैं इन सबसे बचा फिरता था, लेकिन अब होरी के होने से मुझे स्पोर्ट डे आने का इंतजार है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम सकुरा को देखते हैं, जो ट्रेनिंग करके परेशान हो जाती है और खुद से कहती है, मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा है, अगर इशिकावा ने मुझे ऐसे देख लिया तो मेरा क्या होगा। तभी सकुरा के इतना सोचते ही यहाँ युकी आती है और सकुरा को परेशान देखकर उसको डांस सिखाकर उसकी हेल्प करने लगती है। तभी ये देखकर सेनगोकू कहता है, अलग अलग टीम में होने के बाद भी ये दोनों एक साथ प्रैक्टिस करके एंजॉय कर रहे हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम सकुरा, सेनगोकू और रिमी को क्लास में देखते हैं। तभी यहाँ पर सकुरा इनको कड़ी बनाने के लिए सामान लाने को कहती है। और फिर इसके बाद सेनगोकू सकुरा को नमक दिखाकर कहता है, सकुरा इसमें नमक लिखा है तो क्या हम इसको नमक मान सकते हैं? तभी सकुरा कहती है, ये तुम कैसी अजीब सी बात कर रहे हो। तभी इतना कहते ही वो रिमी को देखती है, जो बिना पढ़े ही कड़ी में कुछ मिला रही होती है। तभी सकुरा रिमी को रोकती है और इन दोनों को प्याज छीलने को देती है। और फिर इसके बाद ये दोनों प्याज छीलते छीलते इतना छील देते हैं कि पूरा प्याज ही गायब कर देते हैं। और सकुरा से कहते हैं, सकुरा प्याज गायब हो गया है। तभी सकुरा कहती है, अबे इतना भी नहीं छीलना था कि गायब ही कर दो। और फिर इसके बाद सकुरा इतना सब कुछ देखकर इनको हल्का काम देती है, पर ये दोनों उसको भी नहीं कर पाते हैं और सब कुछ खराब कर देते हैं। फिर इसके बाद हम इन तीनों को खाना खाते हुए देखते हैं। तभी सेनगोकू अपने क्लास फ्रेंड से कहता है, खाना देने के लिए शुक्रिया यार। तभी उसका दोस्त कहता है, अरे कोई बात नहीं। और फिर इसके बाद रिमी और सेनगोकू सकुरा से कहते हैं, तुम एक अच्छी वाइफ बनोगी, तुम्हें खाना बनाना आता है। और इतना कहते ही ये दोनों सैड होते हुए कहते हैं, हमें खाना बनाना नहीं आता है, अब हमसे शादी कौन करेगा। तभी सकुरा कहती है, अगर तुमसे कोई शादी नहीं करेगा तो मैं तुमसे शादी करूंगी। और फिर तभी सकुरा की बात सुनकर ये दोनों खुश हो जाते हैं और क्लास के सभी स्टूडेंट कहते हैं, अबे ये कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम योकी को देखते हैं, जो सबको स्पोर्ट डे के लिए उनकी ड्रेस दिखाती है। तभी हम मियामुरा को देखते हैं, जो होरी को चेयर ड्रेस में इमेजिनेशन करके मनी मन खुश हो रहा होता है। और फिर तभी इसी दौरान उसके सामने होरी आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग कहते हैं, होरी तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। और फिर इसके बाद होरी सभी को थैंक्स बोलती है और मियामुरा के पास आके उससे पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ मियामुरा? तभी मियामुरा सोचता है, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। और इतना सोचते ही वो कहता है, तुम अच्छी लग रही हो होरी। फिर इसके बाद इशिकावा मियामुरा से कहता है, तुम्हें पता है सूने भी रनिंग में पार्टिसिपेट किया था, पर एक बंदे ने उसको बहुत बुरी तरह हरा दिया था। तभी मियामुरा कहता है, हमारे साथ सेनगोकू है इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर वो हमारे मैच से पहले आ जाए तो। तभी इशिकावा कहता है,
वैसे भी ये हमारा लास्ट है। और इतना कहते ही इसिकावा बारिश होने के बारे में सोचने लगता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम इन सबको क्लास में देखते हैं। तभी हम होरी को देखते हैं जो मियामुरा को किसी दूसरी लड़की से बात करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा जलस फील करने लगती है। तभी इसिकावा होरी को देखकर कहता है, तू ठीक तो है ना, तूने खुद को चुड़ैल जैसा क्यों बना लिया है। तभी इतना कहते ही इसिकावा मियामुरा को देखकर चुप हो जाता है। फिर इसके बाद हम क्लास टीचर को देखते हैं जो होरी से बुक पढ़ने को कहता है। तभी होरी गुस्से में कहती है, वो मेरा है, उससे दूर हट जा। तभी टीचर कहता है, बुक में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तभी मियामुरा ये देखकर समझ जाता है और उसकी होरी को देखकर हालत खराब हो जाती है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम मियामुरा को देखते हैं जो होरी से डरते हुए कहता है, उसके मेरे बीच में कुछ नहीं है, वो बस अपनी टेक्स्ट बुक लाना भूल गई थी, इसलिए बस मैं उसको अपनी टेक्स्ट बुक दिखा रहा था। तभी यहाँ पर होरी मियामुरा से बात छुपाते हुए कहती है, तुम डरो मत, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम योकी को देखते हैं जो होरी से कहती है, तुम जब जलस होती हो तो डरावनी लगती हो। तभी होरी कहती है, मैं जलस तो नहीं थी पर मेरा जान लेने का मन कर रहा था। तभी इसी दौरान हम इसिकावा को देखते हैं जो योकी से बोलता है, हमें मीटिंग में बुलाया है, तुम भी जल्दी आओ। तभी योकी कहती है, मेरी पेंटिंग पूरी नहीं हुई है। तभी यहाँ पर होरी योकी से कहती है, तुम मीटिंग में चले जाओ, तुम्हारी पेंटिंग मैं पूरी कर दूंगी। तभी योकी होरी को थैंक्स बोलकर यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद हम होरी को देखते हैं जिसे पेंटिंग बनाते हुए ठंड लगने की वजह से छींक आती है और वो कहती है, काश मैं ब्लेजर पहन के आई होती तो मुझे ठंड नहीं लगती। तभी इसी दौरान यहाँ योची आता है और वो होरी को ठंड लगता हुआ देखकर वो उसे ठंड से बचने के लिए अपनी जैकेट देकर यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम मियामुरा को देखते हैं जो यहाँ आकर होरी से कहता है, ये जैकेट किसकी है। तभी होरी कहती है, मुझे ये जैकेट योची ने दी है, मुझे पैरों में ठंड लग रही थी इसलिए उसने मुझे ये दी है। और फिर तभी हम मियामुरा को देखते हैं जिसे ये सब देखकर बहुत जलस फील होता है और वो अपनी जैकेट खोलकर होरी को देता है, जिससे होरी को ये देखकर बहुत अच्छा फील होता है और वो मियामुरा से कहती है, ये तो ब्लेजर से भी ज्यादा गर्म है। तभी मियामुरा कहता है, क्योंकि मैंने इसको पहना था। तभी होरी मुस्कुराते हुए थैंक्स कहती है। और फिर इसके बाद मियामुरा योची की जैकेट पहन लेता है। तभी होरी उससे कहती है, तुमने इसको पहन लिया। तभी मियामुरा कहता है, उसको कभी भी पता नहीं चलेगा। और इतना कहते ही मियामुरा कहता है, तुमने ये पेंटिंग बिगाड़ दी है। तभी होरी कहती है, हाँ मुझे छींक आ गई थी। और फिर इसके बाद मियामुरा पेंटिंग ठीक कर देता है और सोचता है सबूत मिटाने होंगे। और इतना सोचते ही वो योची की जैकेट को होरी को देकर अपनी जैकेट पहनकर होरी को हक करके छुप जाता है। तभी इसी दौरान यहाँ योची आता है और वो होरी से अपनी जैकेट लेकर यहाँ से निकल जाता है। और फिर तभी योची के जाते ही मियामुरा बाहर आकर होरी से कहता है, इसको कभी पता नहीं चल पाएगा कि उसकी जैकेट तुमने नहीं मैंने पहनी थी, वो हमारी बॉडी की हीट का पता नहीं लगा पाएगा। तभी हम होरी को देखते हैं जो यहाँ पर नोटिस करती है कि मियामुरा को ये सब देखकर जेलस फील हुआ है। तभी ये देखकर होरी कहती है, आर यू जेलस। तभी मियामुरा कहता है, नो। तभी होरी दोबारा जोर जोर से हंसते हुए कहती है, नहीं तुम जेलस हो। फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ योची को देखते हैं जो जैकेट पहनकर कहता है, होरी ने तो ये अपनी गोद में रखा था तो फिर इसकी स्लीव्स इतनी गर्म क्यों है। और इसी के साथ होरी मिया का सेकंड एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है।